हाय हेलो नमस्कार, मुझ जसवंत आपको स्वागत करुँचे विज्ञान चैनल को। तो पुणी गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो आप आई जो थी आम ओट पुलिस नर्सिंग अफिसर एग्जाम को प्रिपेरेशन करने जाऊे मेनली आम फोकस एमसीक्यू पैटर्न उपर। तो आपने जब ओट पुलिस नर्सिंग अफिसर पर पढ़ुंत कि प्रिपेरेसन करुँच तो आपंपाई भिडियो बहुत हेल्पफुल रोक आज निश्चय जब भिडियो आपको भल लगे तो भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ और सांग सहित निश्चिंत सेयार करूँ और आम चैनल को जल्दी एपर्त सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ एमती अपडेट वीडियो न्यू वीडियो आप नहीं आसती सब बेले। ठीक है, आम क्वेश्चन आंसर को जीवा। तो फास्ट क्वेश्चन देखो जोटा कि रहा कौन ना न्यूरॉन्स दैट रिलीज एसिटिल कोलिन आर रेफर्स टू आज। तो कौन कहला ना न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन आम रिलीज करे कौन ना एसिटिल कोलिन तो आम कौन बोली कही था। ठीक अच्छे, ऑप्शन देखो एडेनर्जिक, ऑप्शन बी कोलिनर्जिक, ऑप्शन सी प्री गैंग्लियोनिक, ऑप्शन डी दैट इज नॉन ऑफ द अबव। ठीक अच्छे, तो न्यूरॉन्स दैट रिलीज एसिटिल कोलिन तो न्यूरॉन जो न्यूरॉन आम एसिटिल कोलिन माने रिलीज करते तो आम कौन कह तो आर राइट आंसर कौन जदि आपको जना निश्चित दल कमेंट कर दिंतु। तो देखो आर राइट आंसर हूँ दैट इज आंसर बी, आंसर बी इज द राइट आंसर दैट इज कोलिनर्जिक। तो न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स की आम एसिटिल कोलिन माने रिलीज करती तो आम कौन कही था ना कोलिनर्जिक बोली कही था। ठीक अच्छे, देखी दूसरी देखो न्यूरॉन्स दैट रिलीज एसिटिल कोलिन आर कॉल्ड कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक इज ए टर्म यूज टू रेफर टू द मॉलिक्यूल एसिटिल कोलिन, इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड टू डिफाइन न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स और सिनाप्सिस दैट यूज एसिटिल कोलिन। कौन कहला ना एसिटिल कोलिन जो मैंने रिलीज करते जो न्यूरॉन ताको हम कौन बोली कहता ना कोलिनर्जिक। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जावा दुई नंबर कौन देखिए देखो कापोसीसिस सक्रोमा। ठीक अच्छे, कापोसीसिस सक्रोमा इज आसोसीएटेड विथ। तो कापोसीसिस सक्रोमा आम कौ ये जो तल लिखित है कौथे आम आसोसीएटेड अच्छी। ऑप्शन देखो ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट्रोफिक वायरस टाइप STLV1, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस जोड़ा रहा है HIV, ऑप्शन डी देती एपिस्टेन बार वायरस। तो आम ये रहा कापोसीस आक्रमणटा एटा कौथे आसोसीएटेड अच्छी। ठीक अच्छे, तो देखो आर राइट आंसर कौन हम जदि जना अच्छे निश्चित तले कमेंट करूँ ना देखो कापोसीस आक्रमा इज आसोसीएटेड विथ राइट आंसर हम दैट इज ऑप्शन सी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस जोड़ा कि आम रहा HIV वायरस। ठीक अच्छे, तो देखो पीपुल इनफेक्टेड विथ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस द वायरस दैट कॉजेस एड्स हाव द हाइएस्ट रिस्क ऑफ कापोसीसिस सक्रमा। कौन कहला ना जो डिजीज जो पीपल को HIV वायरस अफेक्टेड करी बा एड्स होती तो से हाइएस्ट रिस्क था कापोसीसिस सक्रमा होगापी। ठीक अच्छे, तो आमर मेनली कापोसीसिस सक्रमाटा आसोसीएटेड रहा क्या द्वारा ना इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस अथवा HIV वायरस। ठीक अच्छे, तो दुई नंबर आंसर ऑप्शन सी। तो तीन नंबर क्वेश्चन को जीवा, तीन नंबर क्वेश्चन कौन देखिए देखो रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज कॉल्ड। तो गोटे लंग टोटल रिमूव करने को आम कौन बोली कही था लोबेक्टोमी ना निमोक्टोमी ना सेगमेंटल रिसेक्शन ना ओड्ज रिसेक्शन। तो आम कौन बोली कही था गोटे लंग को रिमूव करने तो लोबेक्टोमी कही था कि निमोक्टोमी कही था कि सेगमेंटल रिसेक्शन अथवा ओड्ज रिसेक्शन। तो आम आर राइट आंसर कौन हम ना रिमूवल ऑफ एंटायर लंग कहले आम ऑप्शन बी को बुझाऊ जोटा कि रहा निमोनोक्टोमी। ठीक अच्छे, तो निमोनोक्टोमी कहले आमर गोटे लंग टोटाले आमर गोटे लंग्स जो आम रहा दुटा लंग्स आमर थाए तो गोटे लंग्स को रिमूवल करने आम कही था निमोनोक्टोमी। ठीक अच्छे, तो जदि आम लोबेक्टोमी कहवा लोबेक्टोमी कहले आमर गोटे लोब आमर राइट साइड्रे रहा आमर राइट साइड्रे रहा तीन टा लोब एंड लेफ्ट साइड्रे रहा दुईटा लोब। ठीक अच्छे, तो दुईटा लोब आनिटा लोब जदि आम गोटे लोब को टोटाल रिमूव करचे गोटे लोब को देन आम कह लोबेक्टोमी। मेंटल रिसेक्शन कहले गोटे लोब्र आम किसी सेक्शन को जदि आम रिमूव करचे देन आम कह सेगमेंटल रिसेक्शन। ओड्ज रिसेक्शन कौन ओड्ज रिसेक्शन हूँ लंग्स रु गोटे ट्रायंगल टाइप रोटे आम रिमूव करने ओड्ज रिसेक्शन कही था। ठीक अच्छे, भाजपा आप निश्चिंत बुझीपारे तो मुझे आपको चित्र ब्यूटी देखे दूसरी। तो देखो ओड्ज रिसेक्शन में कौन है ना गोटे आम ट्रायंगल सेप्र जा रिमूव हो लोबेक्टोमी गोटे लोब रिमूव होन आम निमोनोक्टोमी टोटल लंग्स रिमूव हो। ठीक अच्छे, तो भाजी आप निश्चिंत बुझीपारे जदि न मैंने एपर्तन जाए भी बुझीपार ना कि भी तो मत कमेंट करूँ ना इमेज को स्क्रीनशॉट मारिक रखु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देक्स्ट क्वेश्चन दे क्वेश्चन नंबर फोर सीभियर मसल वेस्टिंग ग्रोथ फेल्युअर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर ऑफ। तो कौन कहला ना कौ डिजीज रे मसल वेस्टिंग हुए ग्रोथ फेल्युअर हुए एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आमर देखा जाए। तो देखो क्वासिओकर देखा जाए कि बेरी बेरी देखा जाए कि स्कर्वी देखा जाए कि मारासमस देखा जाए।
ତ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରେ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମର ଏହିସବୁ ଫିଚର୍ ଦେଖାଯାଏ, ମସଲ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଫେଲୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଅଫ୍ ସବକ୍ୟୁଟେନସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ତ କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାରାସ୍ମସ୍। ତ ମାରାସ୍ମସ୍ରେ ଆମର ମେନ୍ଲି ମସଲ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ବି ହୁଏ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଫେଲୋର୍ ବି ହୁଏ, ଆଉ ଲସ୍ ଅଫ୍ ସବକ୍ୟୁଟେନସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବଡି ଗ୍ରୋଥ୍ କରେନି ଆଉ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାରାସ୍ମସ୍ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କୁସିଙ୍ଗସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍, ତ କୁସିଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କାହାର ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍, ନା ଗ୍ଲୁକୋକର୍ଟିକୋଷ୍ଟେରଏଡ୍, ନା ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍, ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ତ କୁସିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆମର କାହାର ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ହୁଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କୁସିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆମର କାହାର ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ହୁଏ? ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୁକୋକର୍ଟିକୋଷ୍ଟେରଏଡ୍। ତ ଗ୍ଲୁକୋକର୍ଟିକୋଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମର କୁସିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ କୁସିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ କୁସିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ହାଇ ଡୋଜ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କର୍ଟିକୋଜଲ୍ ଲାଇକ୍ ଗ୍ଲୁକୋକର୍ଟିକଏଡ୍ସ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲୁକୋକର୍ଟିକଏଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କର୍ଟିକୋଜଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ଟିଜଲ୍। ତ ସେଇ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋକର୍ଟିକଏଡ୍ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କି ହାଇ ଡୋଜ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତ ଆମର ଚାନ୍ସ ଥାଏ କୁସିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବୁଜୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛଅ ନମ୍ବର, ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଟୁ ବ୍ରେନ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଇଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ ପର୍ ମିନିଟ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ରେନ୍କୁ କେତେ ମିନିଟ୍, କେତେ ml ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ ଆମର ପର୍ ମିନିଟ୍? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, 450 ml, ନା 750 ml, ନା 550 ml, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 750 ml। ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ବ୍ରେନ୍କୁ କେତେ ଯାଉଛି, ନା 750 ml। ତ 750 ml ଆମର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେରେବ୍ରାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦି ବ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଏ ଗିଭିନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ। CBF ଇଜ୍ ଟାଇପିକାଲି 750 ml ପର୍ ମିନିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର 750 ml ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ପର୍ ମିନିଟ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଜମା ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ଆଉ ଜମା ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭୁଲିବେନି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ବି ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ପିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ପାଇଗଲି ଏମିତି ବନେଇଦେଲି, ବହୁତ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବନଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡାଇଲିସିସ୍। ତ କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଆମର ଡାଇଲିସିସ୍ରେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇପର୍ନାଟ୍ରେମିଆ କହିଲେ ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ, ନା ହାଇପର୍କାଲେମିଆ ପୋଟାସିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ, ନା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କ୍ରିଏଟିନ୍ ଯଦି କ୍ରିଏଟିନ୍ ବଢ଼ିଛି, ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କରେକ୍ଟେଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ହାଇପର୍ନାଟ୍ରେମିଆ ସମଥିଙ୍ଗ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ଡାଇଲିସିସ୍ରେ, ହାଇପର୍କାଲେମିଆ ବି ହେଇପାରିବ, ଏଲିଭେଟେଡ୍ କ୍ରିଏଟିନ୍ ପାଇଁ ତ ଆମର ଡାଇଲିସିସ୍ ହିଁ ହୁଏ। ତ ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହେବ ନା, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ତ ଆମର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍କୁ ଡାଇଲିସିସ୍ରେ କିଛି ବି କରେକ୍ସନ୍ କରିହେବନି। ଯଦି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକା କରିପାରିବା ନାହିଁ କେବେ ବି ଡାଇଲିସିସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ 7 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋନିଓମିଟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆସେସ୍। ତ ଗୋନିଓମିଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍, ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋନିଓମିଟର। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଡିଟୋରୀ ଆକ୍ୟୁଟି, ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ନା ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍, ନା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତ ଗୋନିଓମିଟର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଭାବୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋନିଓମିଟର କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ନା, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ। ତ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଗୋନିଓମିଟର। ତ ମୁଁ ତାର ଇମେଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଇମେଜ୍ଟି ଆମର କେମିତି ରହିବ,
ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋନିଓମିଟର ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଜର୍ସ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ପରମିଟ୍ସ ଦ ରୋଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଏ ଡିଫାଇନ୍ ପୋଜିସନ୍। ଆମର ମେନ୍ଲି ବଡ଼ିର ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ହାତଟା ଆମେ କେତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ, ଗୋଡ଼ଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ, ବଡ଼ିଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ବେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏସବୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋନିଓମିଟର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଇମେଜ୍ଟି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋନିଓମିଟରଟି ଆମର ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଗୋନିଓମିଟରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଏଲିଭେଟ୍ କରିପାରୁଛେ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଆମେ ରୋଟେସନ୍ କରିପାରୁଛେ, ତ ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋନିଓମିଟର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, କଲର୍ କୋଡିଂ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏଇ ଓଟି ପଲିସି 6432 ପୋଷ୍ଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କଲର୍ କୋଡିଂ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କି ନା ବ୍ଲାକ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୋଲ୍ଡର ନା ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ନା ଗ୍ରେ। ତ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର କଲର୍ କୋଡିଂ କ'ଣ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର୍ର? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ। ତ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ତ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ର କଲର୍ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କାହାର କ'ଣ କଲର୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ କୋଡିଂ ଫର୍ ଅଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ସେକ୍ଟର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କଲର୍ କୋଡିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୋଲ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ବଡ଼ି, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏୟାର୍ର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସକ୍ସନ୍ର ୟେଲୋ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ବ୍ଲାକ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ହିଲିୟମ୍ର ବ୍ରାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବୁଜୀ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ସାତଟି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରହିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ତରବର ନ ହୋଇକରି ଭଲସେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, 10 ନମ୍ବର, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ ନର୍ସ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ଏ ସ୍ପୁଟମ୍ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଫର୍ ଦ କଲଚର୍ ଇଜ୍। ତ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଜଣେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟର କଲଚର୍ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ନର୍ସ କେବେ କଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିବ ସ୍ପୁଟମ୍ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଠୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ଆଫ୍ଟର୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ନା ଆଫ୍ଟର୍ ଡିନର୍ ନା ଆଫ୍ଟର୍ ଚେଷ୍ଟ ଫିଜିଓଥେରାପି। ତ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ତା'ର ଆମେ କେବେ ତା'ର ସ୍ପୁଟମ୍ ସ୍ପେସିମେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଲଚର୍ ପାଇଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ହେବ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଥର ବି ଆସିଛି, ଏଇଟା ବି ଓଟ୍ରିପଲ୍ସିରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ସ୍ପୁଟମ୍ ସ୍ପେସିମେନ୍ କଲେକ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ ରାତି ଯାକ ଯେତିକ ବି ଯେଉଁ ସ୍ପୁଟମ୍ ଆମର ମାନେ ସାଲାଇଭା ଆମର ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଆସିକରି ଆମର ମାନେ ଥୋରାକ୍ସ ରିଜନ୍ରେ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ରେସନ୍। ହାଉ ଏଭର୍, ୟୁ ମେ କଲେକ୍ଟ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅ ପେସେଣ୍ଟ ହୁ ହାଭ୍ ଏ ଡିପ୍ କଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡ଼ିଲି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଆକୁମୁଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭାଇରସ୍କୁ ଡିଜିଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ରିଡ୍ ଆଫ୍ଟର। ତ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ କି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଜାଣିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ 28 ଆୱାର୍ସ, ଅପସନ୍ ବି 72 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 96 ଘଣ୍ଟା ନା 24 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କେବେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ରିଡ୍ କରିପାରିବା, ପଢ଼ିପାରିବା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 72 ଆୱାର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 72 ଆୱାର୍ସ ପରେ ଆମେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ପଢ଼ିପାରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ। ତ ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲି ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଦାଟ୍ କଜେସ୍ ଟିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା, ଟିବି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମର ମେନ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫୋର୍ ଆର୍ମରେ ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବଡ଼ିରେ, ତ ବଡ଼ି ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଶୋ କରୁଛି, ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥାଉ, ଟିବିକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇଭଳି ନିଡ଼ିଲ୍ଟି ଆମର ଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଅଳ୍ପ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହୋଇକରି ଆମର ଦେଖା ହୁଏ। ତ ତା'ର ଦେଖା ପରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି କି ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ବଡ଼ିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ,
12 नंबर ब्लूइश डिस्कलरेसन ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड। तो ब्लूइश डिस्कलरेसन ऑफ द वजाइना को हमें कौन बोली कही था, हेगर साइन ना गुडेल साइन ना चैडविक साइन ना मैकडोनाल्ड साइन। तो कौन कहा जाता है ना ब्लूइश डिस्कलरेसन ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड, एटा पूरा डायरेक्ट गोटे गोल्डन पॉइंट्स टाइप रहा आप निश्चित मन रखा पड़ो। एमती आहरी बहुत गुड़े अच्छी ब्लूइश डिस्कलरेसन ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड चादुक साइन। तो चादुक साइन को आम ब्लूइश डिस्कलरेसन ऑफ द वजाइना हेले आम चादुक साइन कही था। तो देखो ऑप्शन सी हो राइट आंसर, दैट इज चादुक साइन। चादुक साइन इज ए ब्लूइश डिस्कलरेसन ऑफ द सर्विक्स वजाइना एंड लाबिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज ब्लड फ्लो। इट कैन बी ऑब्जर्व एज अर्ली एज 6 to 8 weeks आफ्टर कंसेप्शन एंड इट्स प्रेजेंस इज एन अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेनली एटा प्रेगनेंसी टाइम रे ही देखा जाए। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती 13 नंबर, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लिसीमिया। तो हाइपोग्लिसीमिया कहे आम बॉडी रो ब्लड रे जिते बड़े आम सुगार लेवल कम हो जाए तो आम हाइपोग्लिसीमिया बोली कही था। तो तार मेन कॉमन सिम्टम कौन रहबो ना नर्वसनेस एंड डायफोरेसिस एनोरेक्सिया एंड इनकोहेरेंट स्पीच कुजमल्स रेस्पिरेशन एंड कन्फ्यूजन ब्राडिकार्डिया एंड ब्लड विजन। तो मेनली आपण माने जानिथिबे हाइपोग्लिसीमिया रे आमर कौन शो करे ना स्वेटिंग देखा जाए, किंतु एटी स्वेटिंग ऑप्शन नाही। आपनकु जानिबार अछि डायफोरेसिस माने कौन, तो डायफोरेसिस माने ही एक्सेसिव स्वेटिंग। डायफोरेसिस माने ही एक्सेसिव स्वेटिंग। तो आर राइट आंसर हम ऑप्शन ए, दैट इज नर्वसनेस भी हम जोटा कि आमर डायफोरेसिस कहले एक्सेसिव स्वेटिंग भी हम जोटा कि आमर हाइपोग्लिसीमिया रो मोस्ट कॉमन सिम्टम। ठीक अच्छे, तो डायफोरेसिस कहले आमर एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक अच्छे, आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड टाइप्स इज मोस्टली लाइकली टू प्रोड्यूस हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। कौन कहला ना को ब्लड टाइप रे आमे हेमोलाइटिक डिजीज फाइंड आउट करू न्यूबॉर्न मानक ठारे। हेमोलाइटिक डिजीज कहले आमर ब्लड डिजऑर्डर, बहुत गुडे ब्लड डिजऑर्डर आम न्यूबॉर्न ठारे देखू। तो को ब्लड टाइप रे देखो ऑप्शन ए, ओ नेगेटिव मदर एंड ए पॉजिटिव फादर, ए पॉजिटिव मदर एंड ए नेगेटिव फादर, ओ नेगेटिव मदर एंड ए नेगेटिव फादर, ए डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन। तो कोई केस रे हमर देखा जाए हेमोलाइटिक डिजीज न्यूबॉर्न मानक ठारे। ठीक अच्छे, देखो आर राइट आंसर कौन हम मुझको आग गोटे देखे दूसरी तार तात्पर्य कौन पर कहूँ राइट आंसर कौन हम देखो। एसडीएन हापेन्स व्वेन आन आर एच नेगेटिव मदर हाज ए बेबी विथ एन आर एच पॉजिटिव फादर। कौन कहला ना जिते जे मदर आर एच आम नेगेटिव अच्छी आउ फादर पॉजिटिव अच्छी जे बेबी हो तो सीए मोस्टली प्रोबेबल तार थाए कौन पाई ना तार थाए हेबा पाई आमर हेमोलाइटिक डिजऑर्डर। कौन पाई ना जेहेतु रिएक्शन होकरी आर एच नेगेटिव मदर हाज सेंसिटाइज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, जिते आर एच नेगेटिव मदर जड़े आर एच पॉजिटिव को सेंसिटाइज थाए एंड आवर हर इम्यूनो सिस्टम विल मेक एंटीबॉडीज टू अटैक हर बेबी। कौन कहला ना तार निजर इम्यूनो सिस्टम ता बेबी को अटैक करे अटैक करती। तो ठीक अच्छे, तो आर राइट आंसर तेल कौन हम ना आर एच नेगेटिव मदर देती। तो आर एच नेगेटिव कहले आमर दब हम कौन ना ओ नेगेटिव मदर जोटा कि रहा आर एच नेगेटिव मदर एंड ए पॉजिटिव फादर जोटा कि रहा आम आर एच पॉजिटिव फादर। ठीक अच्छे, तो आर राइट आंसर हम ओ नेगेटिव मदर एंड ए पॉजिटिव फादर। ठीक अच्छे, जोटा कि आम केस रे आमर हेमोलाइटिक डिजऑर्डर हम न्यूबॉर्न मानक ठारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, सेनसीटिविटी एंड रिएक्शन टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड स्टोरिंग द ड्रग। तो आम कौटी आम सेनसीटिविटी और रिएक्शन टेस्ट कराए कौटी बॉडी रे देखु, ऑप्शन ए इंट्राडर्माली, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलरली, ऑप्शन सी इंट्राभेनसली, ऑप्शन डी दैट इज सबक्यूटेनियसली। तो आर राइट आंसर कौन हम ना सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन टेस्ट। आपण मैंने निश्चित जानते हैं मेनली सेंसिटिविटी बहुत मैंने रिएक्शन टेस्ट बहुत कराए मेडिकली। तो देखो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए दैट इज इंट्राडर्माली। तो इंट्राडर्माली आमको किसी इंजेक्शन कराया पड़ता है जोटा कि आम जापरू कि सेंसिटिविटी किसी रिएक्शन होमर ओवर बॉडी रे। ठीक अच्छे, तो देखो यही भावे आम कर सेंसिटिविटी इंट्राडर्माली टेस्ट रे। तो देखु, तो ठीक अच्छे, आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। तो पिला मानन ठारे जितले
पेन देखाए तो आम आसेस करवाई आम कौ मेथड यूज करता तो देखो ऑप्शन ए ब्रीफ पेन इन्वेंटोरी ऑप्शन बी न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल ऑप्शन सी विजुअल एनालॉग स्केल ऑप्शन डी दैट इज ऑन बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल तो आप कौटा हमारा राइट आंसर ना कौन दी ना आसेसिंग द पेन ऑफ द चिल्ड्रेन तो पिलाते जो पेन देखा थे आम आसेस करूँ के डिग्री हो कैसे स्कोर हो तो आम कौ मैंने कौन देखिकी आसेस करूँ कौ मेथड रे तो आर राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर दैट इज ऑन बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल तो आपको यहाँ निश्चय मन रखार अच्छी कि कौ पाठी कौ पेन स्केल आसेसिंग कराए तो ठीक अच्छे आदि आपको निश्चिंत जाना था आपने निश्चिंत कमेंट करेंगे तो ठीक अच्छे 16 नंबर राइट आंसर होगी ऑप्शन डी दैट इज ऑन बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल तो मुझे आपको देखे दूँ ऑन बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल इज ए पेन स्केल दैट वाज डेवलप्ड बाय डोनर ऑन एंड कोनी बेकर द स्केल शोज ए सीरीज ऑफ नो फेसेस रेंजिंग फ्रॉम ए हैप्पी फेस एंड जीरो ऑफ नो हार्ट कौन कहला ना आम फेस फेसियाल एक्सप्रेशन को देखिकी आम पाठी जापर कि पेन स्कोर तर के अच्छी देखते जीरो स्कोर कहे नो हार्ट दुई कहे हार्ट्स एंड लिटिल बिट हार्ट्स लिटिल मोर हार्ट्स इवन मोर हर्ट्स होल लॉट कहले आठ नंबर हर्ट्स ओस्ट कहले दस नंबर सबुठू अधिका हर्ट दस नंबर ठीक अच्छे भाबूजी आपण माने निश्चिंत बुझी पार्थिबे जोटा कि आमर रहिला ऑंग एंड ऑंग बेकर टेस्ट ठीक अच्छे पिला मानंगठी आमर पेन स्कोर मापिबा पई तो जदि भी आपण माने भाबुचंती एटा आपण पई हेल्पफुल रहइबो तो निश्चिंत आकु स्क्रीनशॉट मारी रखि परिबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा मामारी ग्लांस इन मामल्स आर मॉडिफाइड तो मामारी ग्लांस जो मामल मान थी तो सेटा कहार मॉडिफाइड सालाइवरी ग्लांड ना लैक्रिमल ग्लांड ना स्वेट ग्लांड ना सिबासियस ग्लांड तो मामारी ग्लांडटा कहार मॉडिफाइड रे आमर होइछि मामल्स मान तो देखु आम राइट आंसर हम ऑप्शन सी दैट इज स्वेट ग्लांड रो मॉडिफाइड रे मामारी ग्लांड तैयार होइछि तो देखु राइट आंसर होछि ऑप्शन सी ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा 17 नंबर फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ आम क्या कही था ऑप्शन ए देखो न्यूक्लियस ना प्रोटोप्लाज्म ना सेल ना डीएनए तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉन्डेस ठीक अच्छे तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हूँ आम प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म को आम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोली कही था एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आर सेमती किसी एक्सप्लेनेशन ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन कि आम प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जमी किडनी फंक्शनल यूनिट को आम नेफ्रन भी कही था नेफ्रन हूँ किडनी फंक्शनल यूनिट सेमती प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे 18 नंबर साइकोसेक्सुआल डिजर्डर इन ह्विच सेक्सुआल बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू आनिमल कौन कहला ना गोटे सेक्सुआल डिजर्डर अच्छी साइकोसेक्सुआल डिजर्डर गोटे पेसेंटर हो सेक्सुआल बिहेवियर डायरेक्टेड टू आनिमल्स जो थे कि आम सेक्सुआल बिहेवियरटा आनिमल जाए आनिमल होता है तो सहीटा आमर कौन देखो फेटिसिजिम ना बेस्टियालिटी ना प्रोट्यूरिज्म ना ट्रांसवर्टिज्म तो आर राइट आंसर कौन हम जदि आपको जना आती निश्चिंत कमेंट करूँ आदि जना ना आपण मैंने निश्चिंत कमेंट थैंक यू बोली लिखिपारे तो देखो साइकोसोशियल डिजॉर्डर आम जो जितेबाला आम एनिमल तरफ डायरेक्टेड हो आम कौन बोली कही था तो राइट आंसर हूँ बेस्टियालिटी तो बेस्टियालिटी कहले आम एनिमल जो सेक्सुअल बिहेवियर मानने हुए थे तो आम बेस्टियालिटी बोली कही था ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे बेस्टियालिटी हूँ इज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सेक्सुअल आर्ट बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ठीक अच्छे तो सेक्सुअल डिजॉर्डर गोटे आम एटा तो आम जोटा कि आम ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल मानने सेक्सुअल आर्ट को आम बेस्टियालिटी कही था ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे टोटल पेयर्स ऑफ क्रानियल नर्व्स आर तो आम कतोटी क्रानियल नर्व्स अच्छी तो राइट आंसर देखो ऑप्शन देखो आग 122 20 12 14 तो क्रानियल नर्व आम कतेटा ना राइट आंसर हूँ 12 पेयर ठीक अच्छे टोटाल 12 पेयर ऑफ क्रानियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी तो ठीक अच्छे तो देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड देखो 12 क्रानियल नर्व्स पेयर्स यू हैव बार क्रानियल नर्व पेयर्स ईच नर्व पेयर्स स्प्लिट्स टू सर्व टू साइड्स ऑफ आवर ब्रेन एंड बॉडी तो कौन कहला ना दीपट को आम दीपटर बॉडी को एपटे बार सेपटे बार आम प्रोवाइड होती क्रानियल नर्व्स ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे 20 नंबर ए चाइल्ड विथ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस विल हाव द फॉलोइंग टेस्ट
डन टू आसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। तो कौन कहला ना को टेस्ट हम जोटा कि गोटे पिला इंसुलिन डिपेंडेंट अच्छी जोटा कि इंसुलिन नौची डायबिटिस मेलाइटिस अच्छी तार तो आम को टेस्ट करवा तार ट्रीटमेंट पाई इफेक्टिव मैंने केते इफेक्टिव है आम देखापी आम को ट्रीटमेंट करवा हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पोस्ट प्लांडियल ब्लड सुगार ग्लाइकोसिलालेट हिमोग्लोबिन लेवल ग्लुकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो आम को टेस्ट करवा तो देखूँ भलसे क्वेश्चन पढ़ू तो आम गोटे चाइल्ड अच्छी जोटा कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटिस अच्छी तो तार केते इफेक्टिवनेस आम ट्रीटमेंट होउची ट्रीटमेंट अच्छी ना सी तो आम के ट्रीटमेंट आम इफेक्टिव होउची तो आम मापापी आम देखापी आम कौन को टेस्ट कले आम जापर तो ठीक अच्छे तो देखो आम राइट आंसर हम कौन ना ग्लाइकोसिलेट हिमोग्लोबिन लेवल अथवा आपको भी कहती आम एच बी ए वन सी जोटा कि आमर टू टू थ्री मंथ भितर आम ब्लड सुगार लेवल आमको सूचाई दे था ठीक अच्छे तो देखो मुझे कहली आपन को यहाँ भी सीट दे ग्लाइको ए ग्लाइकेटेड हिमोग्लोबिन टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड द टेस्ट इज ऑफन कॉल्ड ए वन सी और समटाइम्स एस बी वन सी इट इज सिंपल ब्लड टेस्ट यूज टू डिटेक्ट पेडियाबिटिस हाई सुगार लेवल दैट कैन लीड टू डायबिटीज हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक ठीक अच्छे तो राइट आंसर होगी आम ऑप्शन सी दैट इज ग्लाइकोसिलेलेट हिमोग्लोबिन जोटा कि आम एच बी वन सी कही था ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती व्वेन एडमिनिस्टरिंग ब्लड टू ए पेसेंट इट इज इम्पोर्टाट टू जिते बड़े आम गोटे ब्लड आडमिनिस्टर करने जाऊे आडमिनिस्टर करने जाऊे गोटे पेसेंट टी आम से कौन ध्यान देवा तो ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर इच यूनिट विथ ए सिक्स आवर पीरियड यूज ए वॉल्यूम कंट्रोल इनफ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फास्ट फाइव टू टेन मिनिट्स ड्रॉ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर इच यूनिट्स इज ट्रांसफ्यूज कौन कहला ना आम जितने ब्लड जो गोटे पेसेंट ट्रांसफर करने जाऊे एडमिनिस्टर करने जाऊे तो से आम कौन ध्यान देवा दरकार ना राइट आंसर कौन हम देखो एडमिनिस्टर ऑफ इच यूनिट विथ ए सिक्स आवर पीरियड आम छः घंटा से ब्लड टाक देवा कि ना वॉल्यूम कंट्रोल इनफ्यूजन पर देवा कि ना पाँच रु दस मिनट आम स्लोर देवा ना ब्लड रो देवा पोरे सांगे सांगे तार ब्लड सैंपल कलेक्टेड करवा तो आर राइट आंसर हम दैट इज ऑप्शन सी रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फास्ट फाइव टू टेन मिनिट्स टाइम कौन कहला ना फास्ट पाँच दस मिनिट पर ब्लड को आम बहुत स्लो रे चलेबा जोटा कि जदि भी किसी एडवर्स रिएक्शन थाए ता बॉडी किसी भी रिएक्शन करे जोटा कि आम एर्ली आम डायग्नोसिस करी परिबा आउ जमा भी अधिका ब्लड जाइन थी आम स्टॉप करी परिबा ठीक अच्छे तो ये आम ध्यान देवा आ क्वेश्चन भी बहुत थर रिपीटेड हुए तो ये क्वेश्चन को ध्यान रे दिंतु एमती बहुत गुड़िया दु तीन टा क्वेश्चन मुझ प्रिवियसली भी एमती गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करी तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंटली स्योरली आसे एग्जाम तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बैस नंबर तो बैस नंबर क्वेश्चन कौन दे ना द नॉर्मल पोटासियम लेवल इन द बॉडी कौन कहला तो बाईस नंबर कौन दे नॉर्मल पोटासियम लेवल इन द बॉडी तो आम बॉडी रे पोटासियम लेवल नॉर्मल केते ठीक अच्छे थ्री टू सेवेन एम एम ओएल पर लिटर ना थ्री पॉइंट फाइव रु फाइव एम एम ओएल पर लिटर ना फाइव टू एट एम एम ओएल पर लिटर ना टू पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट फाइव एम एल ओएल पर लिटर कौन कहला ना आम पोटासियम लेवल बॉडी रे केते राइट आंसर हो थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव ठीक अच्छे एम एम ओ एल पर लिटर तो थ्री पॉइंट फाइव जोटाक देर हूँ ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर दैट इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल हूँ थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव एम एम ओ एल पर लिटर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती तेईस नंबर चिकेन गुनिया ट्रांसमिटेड बाय तो आम चिकेन गुनिया जो डिजीज रहा तो यह क्या द्वारा ट्रांसमिटेड होता है देखते ऑप्शन ए एडिस ना क्यूलेक्स ना आम मेन्सोनिडेस ना आनोफिलिस तो कौ क्या द्वारा आमर चिकेन गुनिया ट्रांसमिटेड होता है माने किए आम बाहक चिकेन गुनिया ठीक अच्छे तो देखो आर राइट आंसर कौन हम जब आपको जना निश्चय कमेंट करूँ आज जब जना ना आपम द्वारा जानते तो निश्चय थैंक यू बोली गोटे कमेंट रे कही था ठीक अच्छे तो आर राइट आंसर होची दैट इज एडिस तो एडिस मस्क्यूटो आम चिकेन गुनिया को ट्रांसमिटेड करें तो देखो मुझे देखेद एक्सप्लेनेसन में चिकेन गुनिया भाईरस इज प्राइमेली ट्रांसमिटेड टू पीपुल थ्रो द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मस्क्यूटो मेनली एडिस इजिप्ट एंड एडिस अल्बोपिक्टस ठीक अच्छे तो यही दुईटी आम टाइप मस्क्यूटोस आम मानने चिकेन गुनिया को बाहक करते अथवा ट्रांसमिटेड करते एडिस इजिप्ट एंड एडिस अल्बोपिक्टस
ଆଲବୋବିଟ୍ ଟକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆମର ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆର ବାହାରକ ହେଉଛି ଆମର ଏଡିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଠି ସରିଗଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବ, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଲି ନେଇ ଆସିବି। ଯାହା ବି ରହିଲା ଅପଡେଟ୍ ଓଟି ପୋଲିସର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।